लखनऊ में शिया समुदाय के बीच वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर सड़क बना दी है। मौलाना तब्बे जव्वाद के समर्थकों ने जमकर बवाल किया, बसों में आग लगा दी और पथराव किया। हालात को काबू फोर्स लगाने के और मौलाना तलबे जवाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मौलाना अजहर का ग्रुप बैठक करा रहा था। जवाद और आगारोही के समर्थकों ने बैठक रोकने की कोशिश की, इसी दौरान हंगामा हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ करने के साथ ही हरदोही रोडवेज की बस को भी आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और इन पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। मामला ये था कि बसंतगंज में सीआरपीजी कॉलेज में आज प्रबंध समिति की मीटिंग थी, जिसमें आईबीए का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उसको लेकर कुछ विवाद था। अंदर चल रही थी कमेटी मीटिंग, तो मौलाना तलबे जव्वाद साहब अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे। वो शहर पश्चिमी क्षेत्र में पुराने लखनऊ क्षेत्र में सड़क पर आ गए थे। एक जगह एक बस में आग की सूचना मिली थी। जब हमारी फोर्स सब जगह डिप्लॉयड है, सब जगह फोर्स है, शहर में शांति बनी हुई है। तलबे जव्वाद ने मौलाना अतहर और उनके समर्थकों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएपीजी कॉलेज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में पहले के फाइनेंस और भर्ती संबंधी मामले सहमति से निपटाए जा रहे थे, लेकिन मौलाना तलबे जव्वाद और मौलाना अगरोही इसका विरोध कर रहे थे। मौलाना अतहर और उनका पूरा गिरोह जो है, पूरे खानदान वाले, उनके फैमिली मेंबर्स और उनके बेटे बेटे सब उस पर छाए हुए और कब्जा किए हुए और करोड़ों अरबों का घपला वहां पर वो सब खा पी रहे हैं। कोई आमदनी उनकी है नहीं, बगैर बेहतरीन कारों पर घूमते हैं। हम पूछते हैं पहले कहाँ जा रहे हैं, पता चलता है सर से चुरा गया। तो उस पर हमने प्रोटेस्ट किया कि भाई इसको इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी आपने घपला वगैरह, तो उस पर हम लोग दुश्मन हो गए। वही मौलाना अजहर का गुट भी तलबे जव्वाद और मौलाना आगारोही वक्फ की जमीन बेचने और शिया वक्फ बोर्ड में अपने रिश्तेदारों की भर्ती का आरोप लगा रहा है। देखिए, हमारे शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जलसा था, कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी। मौलाना तलबे जव्वाद और मौलाना आगारोही ने जब वो हर जगह से लड़ाई हार चुके हैं, तो आज उन्होंने कहा कि हम मीटिंग नहीं होने देंगे। तो हमने कहा कि मीटिंग तो होगी, जलसा तो हर हालत में होगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर हैं, फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, आप फ्लोर पर आइए, जो एहतियात का तरीका है फ्लोर पर आगे कीजिए। पीजी कॉलेज के ट्रस्टीज एक अरसे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। जवाद का गुट चाहता है कि कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी को भंग किया जाए और फिलहाल जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब कोई अधिकारी नियुक्त हो जाए, लेकिन हाईकोर्ट से जवाद केस हार चुके हैं। अमिता पारुल, लखनऊ, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। दिन भर के हंगामे के बाद मौलाना तलबे जव्वाद ने विरोध प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया। उनका कहना है कि सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। तलबे जव्वाद का कहना है कि वो पूरे मामले को देखेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। दरअसल मौलाना तलबे जव्वाद के समर्थकों ने आज जमकर बवाल मचाया था, कई बसों में आग लगा दी थी और पथराव भी किया था। अभी फिलहाल वक्ती तौर पर अपील करेंगे हम कि कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि अगर एक बिल पर भरोसा है कि पूरा भरोसा इनको पर ही और पूरा भरोसा है कि जरूर कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर किसी प्रेशर वगैरह का आने के बाद, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत चलता है, और वो अगर नहीं हो सका तो फिर आप लोग आजाद होंगे इसमें और फिर आप खुद अपनी कार्रवाई कीजिएगा। वही पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मैंने दिया है कि ये हमें जब जैसे ही पूरे घटनाक्रम के बारे में एक कंप्लेंट मिलेगा उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी में और आएगी उसमें पूरे तय तक जाकर जांच करके और जो भी इस घटनाक्रम के लिए दोषी है, जिम्मेदार है, उसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आजाद इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। यासूब अब्बास जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, जो कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। यासूब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी। जी यासूब जी, दिन भर जो कुछ भी लखनऊ में देखने को मिला, इसे हम क्या माने कि क्या दो गुटों के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई है या फिर ट्रस्ट पर एक कब्जे को लेकर ये सारा कुछ चल रहा है? असल में मौलाना तलबे जव्वाद एंड ग्रुप हर जगह से लड़ाई को हार चुका है। वो चांसलर के यहाँ से, गवर्नर हाउस से हार चुके हैं, वो वाइस चांसलर के यहाँ से हार चुके हैं,
वो डिप्टी रजिस्ट्रार चीफ एंड फंड सोसाइटी से हार चुके हैं, वो DIOS से हार चुके हैं और अभी परसों वो हाईकोर्ट से फिर हार रहे हैं। कई मुकदमे वो हाईकोर्ट से हार चुके हैं। लिहाजा आज उन्होंने ये सब जहर के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार को, महन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने के लिए ये सब घिनौनी साजिश रची इन्होंने और ये बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का घपला है। हमने मौलाना कलबे जवाद को शिया कालिद की फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया। मौलाना कलबे जवाद ने हमें अपने किसी इदारे का मेंबर नहीं बनाया, मगर हमने शिया कालिद की फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया। मौलाना कलबे जवाद को अगर कोई एतराज था तो मौलाना कलबे जवाद फ्लोर पर आके एहतजाज करते, हाउस के अंदर आके एहतजाज करते। वो आके सड़क पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप बोर्ड के मेंबर हैं, हाउस के मेंबर हैं और आप सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, तो आप फ्लोर के ऊपर आके एहतजाज कीजिए। या सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, शासन और प्रशासन को बदनाम करने के लिए बसों को जलवा रहे हैं आप? शहर में बकरा मंडी पथरी है, चार दिन के बाद में बकरा मंडी में भगदड़ करवा रहे हैं, गरीबों की दुकानों को लुटवा रहे हैं, पेट्रोल पंप में पथराव करवा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश को एक मरतबा फिर आपकी स्थिति में झोंकना चाहते हैं। आज उन्होंने शिया शिया तनाव पूरा कराने की कोशिश की। यासु साहब, यहाँ पर मसला ये भी है कि आप एक समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं और जो ट्रस्ट वहाँ पर बनी है वो उस समुदाय की भलाई के लिए बनी है। क्या नेताओं को इस तरह की हरकतें करना क्या शोभा देता है जो उनके नेता हैं उन्हें? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। जो ऐसी हरकतें करता है वो काबिले मजम्मत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जो भी इसकी इस तरीके की हरकत करे जिसमें जनता का नुकसान हो, शासन प्रशासन की बदनामी हो, हम उसकी पूरी तरीके से मदम्मत करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन यासु साहब, यहाँ पर तो सवाल ये भी है कि आप भी उन पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, वो भी आप पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसे देख रही है। देखिए, वो जो हमारे ऊपर आरोपों की बौछार कर रहे हैं वो बेबुनियाद बौछार कर रहे हैं। शिया कालीन एक उसूल एक कानून के तहत चल रहा है। एशिया का शियों का सबसे बड़ा इदारा है, करामत काली शियों के हाथ से निकल गया, इस्लामिया काली शियों के हाथ से निकल गया, हुसैनाबाद शियों के हाथ से निकल गया, मुमताज काली शियों के हाथ से निकल गया। वाहिद अकेला शिया काली शियों का जिंदा इदारा है जो कागज पर नहीं है, जो हकीकी शियों का इदारा है। कलबे जवाद साहब, कुछ शिया दुश्मन ताकतों से मिलकर शिया काली को हुकूमत के हाथ में देना चाहते हैं। हम हरगिज ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे कि वो शिया काली को हुकूमत के हाथ में दे दे। वो जो कह रहे हैं शिया काली में परिवारवाद है और वो जिस बदतमीजी से बुजुर्गों का नाम ले रहे हैं, मैंने कभी उनके बुजुर्गों का नाम बदतमीजी से नहीं लिया है। जो वो कह रहे हैं कि शिया काली में परिवारवाद है, परिवारवाद शिया काली में नहीं है। यहाँ के ऊपर राजा रजा अली खान, आप पिंडावल हमारे प्रेसिडेंट है, राजा अमीर मोहम्मद खान राजा साहब महमूदाबाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सही डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी सेक्रेटरी है, डॉक्टर अजहर हसन जैदी ज्वाइंट सेक्रेटरी है। इस तरीके से शिया काली चल रहा है, पूरा परिवारवाद तो बोर्ड में है, जहां मौलाना कलबे जवाद ने अपने यासु साहब आपका कहना यह है कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है यही शिया समुदाय की नुमाइंदगी करता है और कोई भी उनके हक की आवाज नहीं उठाता? भाई, मौलाना कलबे जवाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर है, कौन को बताया कि शियों के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में कब आवाज हो, कहां आवाज उठाई गई? वहां के ऊपर शियों का नाम तक के नहीं लिया जाता है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में आज तक छा दिया है कि मौलाना कलबे साजिद साहब को बाबरी मस्जिद का फार्मूला तक के लिए पेश करने दिया, सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे गुलदस्ते रखे जाते हैं ऐसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में इन्हें लाकर रख दिया जाता है। इन्हें जबान पर पहरा लगाने की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, ये है कि जबान पर पहरा लगाए बैठे रहे और गुलदस्तों की तरह सजे बैठे रहे और वहां के ऊपर जबान पर इनकी ताले लगे रहते हैं। जी यासु साहब, ये जो आपसी विवाद चल रहा है, ये कितने दिनों से चल रहा है आपसी विवाद? भाई देखिए, ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, ये विवाद को याद कर रही है, तकरीबन 3 बरस हो गए इस विवाद को चलते हुए और ये 3 साल से मौलाना कलबे जवाद ने जब से वक्फ बोर्ड संभाला है जी। और वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की संपत्ति को इन्हीं ने तबाह बर्बाद किया है, तो इनके मुंह को खून लग गया है। इन्हीं ने वक्फ सज्जादिया की 22 बीघा जमीन बेच डाली, इन्हीं ने मजार शहीद सालिस आगरा में घपला किया और उसके बाद इन्हीं ने आज के लखनऊ में बामबाड़ा जहरुल आब्दीन को गोदाम बना दिया। लखनऊ में हजरतगंज स्थित वक्फ रानी सल्तनत में जहां पूरी कौम को निकाल के आए थे, वहां इन्हें लंबा पैसा लेके सौदेबाजी कर ली। हम आपकी बात सुन रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम कलबे जवाद साहब की भी बात सुनेंगे कि उनका क्या कहना है इस छोटे से ब्रेक के बाद।
शिया नेताओं के गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली। शिया नेताओं में लड़ाई पीजी कॉलेज के ट्रस्ट बोर्ड तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिया मुस्लिमों की मजहबी राजनीति को लेकर मौलाना अतहर मियां और कल्ब जवाद के बीच में एक अरसे से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसी लड़ाई की वजह से शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। शिया नेताओं के बीच की लड़ाई आज की नहीं है। वर्चस्व को लेकर मौलाना अतहर और मौलाना कल्ब जवाद के बीच हमेशा तलवार खींची रहती है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। मौलाना अतहर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रहते हुए साल 2005 में एक ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया। अतहर का आरोप था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल शिया मुस्लिमों के प्रतिनिधि उनकी समस्याओं की अनदेखी करते रहे हैं और जवाद बोर्ड की बैठकों में शिया की समस्याओं को नहीं उठा पाते, इसलिए अलग से ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ी। हालांकि असल विवाद शिया समुदाय के लोगों के बीच अपना प्रभाव बनाए रखने का है। मौलाना कल्ब जवाद के पिता मौलाना कल्ब आबिद साहब एक जाने माने स्कॉलर थे। पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों की वजह की काफी इज्जत थी। 1987 में लखनऊ से कानपुर जाते वक्त एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके जनाजे में काफी समय बाद दोनों शिया और सुन्नी समुदाय के हजारों लोग एक साथ आए। मौलाना कल्ब आबिद साहब की मौत के बाद उनके छोटे भाई कल्ब सादिक को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य बनाया गया। उसके कुछ समय बाद मौलाना कल्ब जवाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बनाए गए। मौलाना कल्ब आबिद साहब की मौत के बाद मौलाना अतहर चाहते थे कि शिया समुदाय पर उनका प्रभाव हो, इसलिए मौलाना जवाद के मुताबिक बीजेपी की मदद से उन्होंने शिया स्कूल कॉलेजों पर अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शिया कॉलेज मैनेजमेंट पर इनका वर्चस्व भी कायम हो गया, जबकि वक्फ बोर्ड पर अभी भी मौलाना जवाद का वर्चस्व बना हुआ है। रिपोर्ट जी न्यूज उत्तर प्रदेश। साथ यासू अब्बास साहब जुड़े हुए हैं। यासू साहब, ये लड़ाई तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि काफी पुरानी लड़ाई है और साफ तौर पर लग रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये समुदाय विशेष के आप सभी रहनुमा बनना चाहते हैं, रहनुमा बनने की ये लड़ाई है। देखिए ना, रहनुमा बनने की लड़ाई है ना रहनुमा बनना चाहते हैं, ये तो वो लोग रहनुमा बनना चाहते हैं जो मजलिस के मजमे को अपने दिखाते हैं कि ये मजमा हमारे नाम पर आया है, जबकि वो मजमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आता है। ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, लड़ाई उसूलों की है। आशिया व बोर्ड के हम उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उसके अंदर माल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जमीनों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जमीनों को मौलाना कल्ब जवाद साहब ने अपने बहरोई कमालुद्दीन अकबर को चेयरमैन क्यों बनाया? क्या कमालुद्दीन अकबर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पढ़ा लिखा शिया नहीं था? कोई ऐसा शिया नहीं था कि जो चेयरमैन बनने का लायक हो? और आज क्या बात है कि उनके 7 मेंबरों में से उनके मेंबर टूट चुके हैं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वही उनके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं? शिया काली या कानून के तहत चलता है, उसूल के तहत चलता है। उसकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, डिग्री की मैनेजिंग कमेटीज है, इंटर की मैनेजिंग कमेटीज है। डिग्री का मैनेजर अलग है, इंटर का मैनेजर अलग है, गर्ल्स कॉलेज की डिग्री की प्रिंसिपल अलग है, इंटर की प्रिंसिपल अलग है। एक उसूल के तहत यूजीसी से गवर्न होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से गवर्न होता है, एक कानून और उसूल के तहत चलता है। ये कोई इस तरीके से नहीं है कि बंद कमरे में मीटिंग कर ली और उसके बाद में अपना आदेश पारित कर दिया। जी यासू साहब, आपके कहने का मतलब है कि कल्ब जवाद साहब को इसलिए बाहर किया गया क्योंकि उन पर कई सारे वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे? कल्ब जवाद साहब को देखिए, पूरे हाउस में इसलिए एंटी कॉलेज एक्टिविटीज को बाहर किया है, इसलिए कल्ब जवाद को बाहर किया गया है शिया कॉलेज से, क्योंकि जब वो बोर्ड के मेंबर थे तो उनको आवाज फ्लोर के ऊपर आगे उठाना चाहिए थी, शिया कॉलेज की मीटिंग में आगे उठाना चाहिए थी। वो आरोही के साथ में जलसा करते हैं प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दरगाह से तब्बास में जलसा करते हैं। आगरहुई और कल्ब जवाद दोनों घोर विरोधी हुआ करते थे, एक पूरब था दूसरे पश्चिम थे, एक ईस्ट था दूसरे वेस्ट थे। आज क्या ऐसा मामला हो गया कि दोनों एक हो गए? क्योंकि मौलाना आगरहुई ने कुतुब खाने नासरी और आगरा में बहुत बड़ा गबन किया है, और मौलाना कल्ब जवाद ने पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड में और इमामबाड़ा गुफरामाम में बहुत बड़ा घोटाला किया है। लिहाजा उसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ चल रही है, मैंने जांच के आदेश कराए हैं। उसके माइंड को, कौम के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आज उन्होंने ये सब नाटक किया, शहादत का बहाना लेके कि आज इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत है। क्या मौलाना कल्ब जवाद भूल गए कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत में
उन्होंने सिराज मेहंदी की लड़की की शादी का निकाह आज के दिन नहीं पास लखनऊ के किरार के बाद होटल में यादव साहब, लेकिन ट्रस्ट के अंदर तमाम मेंबर्स बैठे हैं, मिलजुल कर किसी मसले का हल निकाले। आपने कहा कि अगर कल में जब आपको कुछ कहना ही था तो वो फ्लोर पर आकर अपनी बात रखते, लेकिन वो फ्लोर पर नहीं आए, वो बैठक को रद्द करवाना चाहते थे कि बैठक ना हो। लेकिन एक ट्रस्ट कैसे चलेगा अगर उनके मेंबर्स के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन ना हो? हमारे मेंबर्स के बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है। आज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से ऑब्जर्वर आया था, हमारे यहाँ ऑब्जर्वर्स थे, हमारे यहाँ एक भी आदमी ने अपोजिशन में हाथ नहीं उठाया है। हमारे यहाँ सारा काम सब सर्वसम्मति से चल रहा है। शिया कॉलेज शियों का सबसे बड़ा इदारा है। हम चाहते हैं जब कौम के बच्चे पढ़े। मौलाना तुर्बेजवाद अपने घर में बैठ के कहते हैं कि अगर जो कौम ने मुठिया छोड़ के कलम पकड़ लिया तो हमारी क्यादत निकल जाएगी। क्या ऐसी बात है? गालिब दीन को देवा देती है। मुठिया का मतलब समझे आप, जिससे एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं बच्चे, गर्दोजी का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि कौम पढ़े, कौम लिखे, कौम तरक्की करे। शियों के साथ साथ हमारे सुन्नी भाई, हमारे हिंदू भाई भी शिया कालीन में तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे सिख भाई भी तालीम हासिल कर रहे हैं। शिया कालीन शियों का इदारा है। रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कल्बे जवाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल्बे जवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, कल्बे जवाद जी, आपने सुना यासू अब्बास जी क्या कह रहे हैं, आपको जवाब देना चाहेंगे? अपना करते रहते हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि थारो इंक्वायरी हो जाए। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की वजह से बड़ी क्या बीमारियों के रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। इनके वालिद के लिए लोग ये कहते हैं कि साहब इन्हें 50 साल रजिस्टर पर उनके पढ़ने का रिकॉर्ड है, तो उनका एक चोरी का रिकॉर्ड भी है। और यह है कि 40 साल तक वो बगैर छुट्टी लिए 12 बजे से पढ़ने के, 6 महीने आगे पूरी तनख्वाह ली गई है, उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास सेफ है। तो जहां मजिदे पढ़ने का रिकॉर्ड है, वहां चोरी का भी रिकॉर्ड है वालों का। तो इस तरह की हरकतें, ये है कि रिश्वतें लेते हैं ये एक नौकरी के लिए और वो हम रिस्क लेते हैं इनकी। तो हम तो करोड़ों अपराध ये तबाह चीज है। ये शहादत शियों के लिए शहादत के लिए आपने लिखा पढ़ाया तो क्या सिराज मेहंदी की लड़की ने ये मस्जिद रखी, इसको हमने सिराज किया। सिराज मेहंदी की लड़की होटल में छुपे थे, सिराज मेहंदी के निकाह को देखिए आप। पांचवें इमाम की शहादत में मौलाना कल्बे जवाद ने सिराज मेहंदी की लड़की की निकाह पढ़ाया। बोल नहीं दे रहा है जी यासू साहब, हम चाहेंगे कि आप एक मिनट की बात सुन लें। अभी ये जा रहा है, बोलने भी जा रहा है, बात ना पहुंचे। जी कल्बे जी, कल्बे जी अपनी बात रखें जी, बकवास जा रही है जी। कल्बे जी, यासू साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें। फूल काट देंगे उसको बोलने दिया आपने आगे। जी जी, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप रखें। अपनी बकवास जारी रखेगा क्योंकि कुछ छुपाना है। तो हाईकोर्ट के जज से इंक्वायरी को हमारे पर अगर कोई इल्जाम लगा तो हाईकोर्ट की जज से हमारी इंक्वायरी हो जाए और क्या कल की भी इंक्वायरी हो जाए। तो दूसरे से पानी अलग हो जाएगा। बड़ी बड़ी रिश्वतें ले रहे हैं, चोरी ये करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं ये सालाना। और इनके पास एक तो पैसे की इनकी आमदनी नहीं है, उनके पास 12-12 लाख की कारें हैं। इसे पूछिए कहां से खरीदी है, कौन क्या आमदनी, कहां नौकर है, क्या तजार करेगी। जी जी, कल जी आप आरोप लगा रहे हैं यासूब साहब पर, आरोप लगा रहे हैं यासूब साहब आगे लगा रहे हैं इसके बाप पर लगा रहे हैं आरोप जी। आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ कल्बे साहब यहाँ पर आप दोनों की ओर से आरोपों की बौछार हो रही है। सवाल कल्बे साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो कुछ हम कह रहे हैं इंक्वायरी हो जाए, आज जो कुछ भी सड़कों पर नजर आया कल्बे साहब, आज जो कुछ भी सड़कों पर नजर आया क्या ये उचित था? देखिए यहाँ प्रशासन इनके साथ रहता है, प्रशासन ये प्रशासन के दलदार है। तो यासूब और का पूरी फैमिली प्रशासन की दलदार है। तो सड़कों पर गाड़ियों पर तोड़फोड़ देखिए, हमारे 30 फुट लोग बैठे हुए थे, औरतें मर्द बच्चे और वो ओपी पाठक जी के साथ रहता है जो एडीएम, उसने आके लाठीचार्ज किया धरना देने वाले 30 फुट बच्चों औरतों मर्दों पर। इसके बाद खबर जरा पैदा हुई तो एक पहले कुछ नहीं हो रहा था, पीसफुल धरना था जिसमें औरतें थी, बच्चे थे, मर्द थे। उसके ऊपर ओपी पाठक जो है इनके साथ जो रहता है एडीएम और बीजेपी है इसके जमाने में लालजी टंडन, उसके आज तक वो बीजेपी के हवालदार है।
करवे साहब जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर नजर आ रही है किस तरीके से वहाँ पर बसों में आग लगा दी गई, ये जो तमाम तस्वीरें लखनऊ के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, तमाम पूरे देश के लोगों ने देखी है तस्वीर, निहत्ते लोगों को गोलियां चलाई है और यहाँ पर गाड़ियां सब तोड़ी है, सब पुलिस पूरा फैला दिया है यहाँ पर, तो अब पब्लिक में रिएक्शन तो होगा और उसके बाद मजलिस पहुंचे अरेस्ट किया गया है। अरे ये तो सोचो तो ये कुत्ते हैं कि शिया है, ये अमेरिका के कुत्ते हैं, ये इसी के नाम है। कलवे साहब हम चाहेंगे कि आप थोड़ा शब्दों का चयन करके आप अमेरिका के एजेंट है या ये दल्लाली करते हैं इस पुलिस की और ये अरेस्ट कराया मजलिस पढ़ते हुए वहाँ वहाँ अटैक किया वहाँ जब हम लोगों पर जब मजलिस हो रही थी, तो शिया कह रहे हैं उनको शर्म आना चाहिए और इमाम की शहादत के दिन मीटिंग रखी है तो शिया कह रहे हैं, ये लानती लोग हैं बिल्कुल। कले साहब अब हम चाहेंगे कि यासु साहब आपको कुछ जवाब देना है। नहीं हम जवाब आपको नहीं सुने इनके वालिद कलबे आबिद ने इमाम बाला अली खान खाजी से पूरे पूरी जमीनें नहीं डाली, हमारे पास रजिस्ट्री मौजूद है इनके वालिद की, मौलाना कलबे आबिद की रजिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, इनके घर में वक्त की जमीनें बेच के पेट भरा जा रहा है और ये जो इनका घर है जिसके अंदर ये रहते हैं 37 जौहरी महिला, इसका भी मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है, दो हाईकोर्ट की डबल बेंच है, अपने घर का भी केस हार गए जस्टिस ऋतुराज और जस्टिस प्रदीप कांत की अदालत से, ये वक्त सजादिया का भी केस हार चुके हैं। चलिए यासु साहब अपने खबर के घर में रह रहे हैं, इनकी नमाज रोजा सब गलत है। चलिए यासु साहब आप दोनों की बात हमने इमाम की शहादत के दिन सिराज मेहंदी जैसे आदमी की लड़की का निकाह पढ़ने के लिए सिराज नवाज होटल क्यों गए। यासु साहब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यासु साहब, हमारे पास समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात किए और हम चाहेंगे कि कलबे जवाद साहब का भी हम शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कलबे जवाद साहब आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, तो भले ही कहा यह जा रहा हो कलबे जवाद की ओर से कि तमाम शांति की बात की जा रही हो कि शांति सबको, लेकिन कहीं ना कहीं मामला वर्चस्व की लड़ाई का साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से आरोपों की बौछार दोनों गुटों की ओर से हो रही है लग रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।